गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी विल लर्न द जर्नी ऑफ इंडिया द डेमोक्रेसी, एन एग्जाम्पल इन फेवर ऑफ डेमोक्रेसी। इन एनी सोसाइटी पीपल आर बाउंड टू हैव डिफरेंट ओपिनियंस एंड इंटरेस्ट। किसी भी सोसाइटी में अलग अलग लोगों के अलग अलग ओपिनियंस और अलग अलग इंटरेस्ट होते हैं। दीज डिफरेंसेज इन कंट्रीज लाइक इंडिया बिकम शार्पर एज दी सोसाइटीज हैव अमेजिंग डाइवर्सिटी। ये जो डिफरेंसेस होते हैं इंडिया जैसी कंट्रीज में अच्छे बन जाते हैं या काम में आते हैं एज दी सोसाइटीज हैव एन अमेजिंग डाइवर्सिटी। क्यों? क्योंकि इन सोसाइटीज़ में अमेजिंग डाइवर्सिटी होती है। पीपल लिविंग इन डिफरेंट रीजन्स, लोग जो अलग अलग रीजन्स में रह रहे हैं, स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस, वो अलग अलग लैंग्वेजेस बोलते हैं, डिफरेंट कास्ट अलग अलग जाति के होते हैं एंड डिफरेंट रिलीजन्स टू प्रैक्टिस, और उनके रिलीजन अलग अलग होते हैं। दे व्यू द वर्ल्ड वेरी डिफरेंटली। वो दुनिया को देखते हैं अलग अलग तरीके से देखते हैं और दुनिया के बारे में अलग अलग तरीके से सोचते हैं। दीज प्रेफरेंसेज क्लैश विद वन अनदर। ये जो इनकी अलग अलग सोच होती है ये एक दूसरे से टकराती है। हाउ डू वी रिजॉल्व सच क्लैशेज। हम इन सोच के टकरावों को कैसे रिजॉल्व करें, कैसे सुलझाएं? वन वे इज टू रिजॉल्व कन्फ्लिक्ट्स बाय ब्रूटल पावर। एक तरीका तो ये है कि हम युद्ध से जीतें। जो ग्रुप सबसे पावरफुल होगा वो डिक्टेट करेगा उसकी टर्म को, एंड अदर विल हैव टू एक्सेप्ट देम, और जो दूसरा है उसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा। बट दैट वुड क्रिएट रिसेंटमेंट एंड अनहैप्पीनेस। उसमें अनहैप्पीनेस फैल जाएगी, उसमें खुशी नहीं रहेगी किसी की। तो दिस वे, इस तरीके से डिफरेंट ग्रुप्स में नॉट बी एबल टू लिव टुगेदर फॉर लॉन्ग। जो अलग अलग ग्रुप्स हैं वो एक साथ लंबे समय तक रह नहीं सकेंगे। ओनली डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स अ पीसफुल सॉल्यूशन। सिर्फ एक डेमोक्रेसी होती है वो पीसफुल सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाती है। इन अ डेमोक्रेसी नो वन इज परमानेंट विनर, सिमिलरली नो वन इज अ परमानेंट लूजर। एक डेमोक्रेसी में जिस तरह कोई एक परमानेंट विजेता नहीं है, उसी तरह कोई ऐसा भी नहीं है कि हमेशा वो ही हारे। डिफरेंट ग्रुप्स कैन लिव पीसफुली विद वन अनदर। डिफरेंट ग्रुप्स एक साथ शांतिपूर्वक रह सकते हैं। दीज थ्री आर्ग्यूमेंट्स वर अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ डेमोक्रेसी ऑन द इक्वालिटी ऑन द क्वालिटी ऑफ गवर्नमेंट एंड सोशल लाइफ। ये थ्री आर्ग्यूमेंट्स थे, ये क्यों थे? क्योंकि डेमोक्रेसी का इम्पैक्ट बताने के लिए गवर्नमेंट की क्वालिटी और सोशल लाइफ पे। बट द स्ट्रॉन्गेस्ट आर्ग्यूमेंट फॉर डेमोक्रेसी इज नॉट अबाउट वॉट द डेमोक्रेसी डज टू अ गवर्नमेंट। लेकिन जो स्ट्रॉन्गेस्ट आर्ग्यूमेंट है डेमोक्रेसी का, वो ये नहीं है कि डेमोक्रेसी गवर्नमेंट के लिए क्या करती है, वो ये है कि डेमोक्रेसी हमारे सिटीजन्स के लिए क्या करती है। इफ द डेमोक्रेसी इवन इफ द डेमोक्रेसी डज नॉट ब्रिंग अबाउट द बेटर डिसीजन एंड अकाउंटेबल गवर्नमेंट। क्योंकि अगर ये डेमोक्रेसी एक बेटर डिसीजन और अकाउंटेबल गवर्नमेंट नहीं ला पाती है, येट इट इज बेटर देन एनी अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। फिर भी ये गवर्नमेंट की और अलग और दूसरे फॉर्म से अच्छी है, बेहतर है। एज डेमोक्रेसी इन्हांसेस द डिग्निटी ऑफ द सिटीजन, क्योंकि वो सिटीजन्स की डिग्निटी को इन्हांस बढ़ावा देती है। एज वी हैव रीड अबाउट, डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इक्वालिटी। हमने अभी पढ़ा था कि डेमोक्रेसी पॉलिटिकल इक्वालिटी के प्रिंसिपल पर चलती है, ऑन रिकॉग्नाइजिंग, ये सोचते हुए कि पुअरेस्ट एंड एजुकेटेड हैव द सेम स्टेटस। जो सबसे गरीब है और जो अशिक्षित है उसका स्टेट, वो भी उतना ही स्टेटस रखता है, उसके पास भी उतना ही राइट्स है जितने कि एक रिच और एजुकेटेड के पास है। पीपल आर नॉट सब्जेक्ट टू ऑफ अ रूलर। पीपल लोग किसी रूलर के मोहताज नहीं है। दे आर रूलर देमसेल्व्स, वो खुद राजा हैं। इवन व्हेन दे मेक मिस्टेक्स, तब भी जब वो गलतियां करते हैं, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर कंडक्ट, वो अपने कंडक्ट के लिए खुद रिस्पॉन्सिबल हैं। अल्टीमेटली डेमोक्रेसी इज बेटर देन एनी अदर फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट। अल्टीमेटली लास्ट में डेमोक्रेसी किसी और फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से बेटर है, बिकॉज इट अलाउ अस टू करेक्ट आवर मिस्टेक्स, क्योंकि ये हमें अपनी मिस्टेक्स करेक्ट करने के लिए अलाउ करती है। एज वी हैव डिस्कस्ड अबोव, हमने जैसे ऊपर पढ़ा, देर इज नो गारंटी दैट मिस्टेक्स कैन नॉट बी मेड इन डेमोक्रेसी। ये कोई गारंटी नहीं है कि डेमोक्रेसी में मिस्टेक्स नहीं हो सकती। नो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कैन गारंटी दैट। गारंटी तो कोई सी भी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं दे सकती। द
द एडवांटेज इन द डेमोक्रेसी इज दैट सच मिस्टेक्स कैन नॉट बी कंसील्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम. डेमोक्रेसी का एडवांटेज ये है कि ये जो मिस्टेक्स होगी ये लंबे समय तक चलेगी नहीं. देयर इज ऑलवेज स्कोप ऑफ पब्लिक डिस्कशन ऑन दीज मिस्टेक्स, क्योंकि इस डेमोक्रेसी में मिस्टेक्स पर पब्लिक डिस्कशन का स्कोप है. एंड देयर इज अ रूम फॉर करेक्शन, और वहाँ पर करेक्शन के लिए भी एक जगह है. ईदर द रूलर्स हैव टू चेंज देयर डिसीजंस, या तो रूलर्स को अपने डिसीजंस बदलने पड़ेंगे, और द रूलर्स कैन बी चेंज्ड, या रूलर्स ही बदल दिए जाएंगे. दिस कैन नॉट हैपन इन मॉडर्न, दिस कैन नॉट हैपन इन नॉन डेमोक्रेटिक सिस्टम. ये नॉन डेमोक्रेटिक सिस्टम में नहीं हो सकता. सो स्टूडेंट्स, टुमोरो वी विल स्टडी द समरी एंड द लेट्स रिकॉल ऑफ दिस चैप्टर. रीड दिस चैप्टर एंड आस्क इफ एनी डाउट्स आर देयर. थैंक यू.